नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु मिचिन में दर्शक बंधु वर्तमान रो बिग ब्रेकिंग रे आमे आलोचना करबा जे लॉकडाउन रिटर्न्स एथि पाई आमे कहछु लॉकडाउन रिटर्न्स जे जानि छथि देश रे वर्तमान कोरोना कोभली स्थिति रे रहिछि आ महाराष्ट्र कथा जदि देखिबा वर्तमान स्थिति महाराष्ट्र रे संगीन जहा फल रे वर्तमान महाराष्ट्र रे लॉकडाउन होउछि जदिओ पूरा सबु दिन पाई लॉकडाउन जारी होइ नाही किंतु वीकेंड जो रहिछि माने शुक्रवार राति 8:00 सोमवार सकाळ 6:00 पर्यंत महाराष्ट्र रे वर्तमान लॉकडाउन जारी होई सारिछि आ यार भितरे समस्तंकर वर्तमान भय रहिछि जे जदि आमे सचेतन न रहू एवं संक्रमण जदि वृद्धि पाए या भितरे कोटिना कोटि कर्फ्यू हबो लॉकडाउन हबो शटडाउन हबो याकु नेकी वर्तमान समस्तंक मनरे द्वंद्व रहिछि तबे आलोचना करबा जे वर्तमान राज्यर स्थिति कोन देशर स्थिति जेतेबेले संगीन रहिछि राज्यर स्थिति मध्य वर्तमान अण्यात हवा को बसिलानी एवं यारी भितरे आजिठु लागू होउछि 10टी जिल्लारे नाइट कर्फ्यू माने राति 10:00 सकाळ 5:00 पर्यंत नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो एथि पई राज्य सरकार 10टी जिल्ला को अलर्ट करछथि आ 10टी जिल्ला भितरे रहिछथि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी एवं कोरापुट एथि राति 10:00 सकाळ 5:00 जाय बलबत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू तबे आलोचना करबा राज्य रे स्थिति कोन रहिछि आउ राज्य रे जेहेतु कारण प्रत्येक दिन कोरोना पॉजिटिव को संख्या वृद्धि घटुचि राज्य रे गत 24 घंटा भितरे 471 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती तबे एहा राज्यवासी को चिंता बढ़ाउछि कारण जेतेबेले पूर्व वर्ष कथा आमे कहबा सेतेबेले जेतेबेले आमे देखुथिले जे पाखा पाखी एई भली भाबरे कोरोना संक्रमित संख्या धीरे धीरे वृद्धि घटुला तबे वर्तमान राज्य रे से स्थिति मु पुणी फेरुछि एवं वर्तमान कोरोना संक्रमित संख्या दिनकु दिन वृद्धि पाउछि जेतेबेले ह्रास घटिबार कथा तबे वर्तमान झारसुगुड़ा को जीवा झारसुगुड़ा रु आम सहित सुरेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि जोड़ी होती सुरेन्द्र वर्तमान झारसुगुड़ा रे स्थिति कौन रही देखंतो चिन्मय निश्चित भाव आम गोटे पटे कहीपर झारसुगुड़ा गोटे संवेदनशील जिला अच्छी जेहेतु ये विमान बंदर अच्छी गुड़ाए शिल्पानुष्ठान अच्छी सहित रेलवे जंक्शन अच्छी सबुत बड़ कथा है झारसुगुड़ा सीमा को लग कर छत्तीसगढ़ अच्छी ये अधिक लोक छत्तीसगढ़ उपर निर्भर करवसाय दृष्टिकोण जेहेतु छत्तीसगढ़ में कोरोना हु बढ़ुची आम पाखे जहाँ तथ्य अच्छे ऑफिशियल तथ्य अच्छे गत 24 घंटा मध्य छत्तीसगढ़ में 5,250 कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती महाराष्ट्र पर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव संख्या अधिक रोचे जेटा कि निश्चित भाव गोटे चिंताजनक तथ्य एवं छत्तीसगढ़ रायपुर एवं दुर्ग जिला बर्तमान हॉटस्पॉट पलटिचे जेहेतु रायपुर सहित पश्चिम ओडिशार समस्त जिला व्यवसायिक दृष्टिकोण रु निर्भर करती तो निश्चित भाव पश्चिम ओडिशापे गोटे चिंताजनक रोचे एवं आज राज्य सरकार जो घोषणा कर 10टी जिला छत्तीसगढ़ सीमा को संलग्न 8टी जिला ता सहित बलांगीर और समलपुर 10टी जिला को नाइट कर्फ्यू घोषणा कर तो से जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी से जो एनफोर्समेंट करने जिला प्रशासन तरफ 17टी स्क्वाड गठन कर सबुत बड़ कथा है जेहेतु झारसुगुड़ा जिला छत्तीसगढ़ को लगी रही तो जिला प्रशासन तरफ गोटे पदक्षेप नि जो वीकली मार्केट अच्छी वीकली मार्केट गले आगामी 3 सप्ताह बंद करें जहाँ कथा हो जिलापाल सहित जेहेतु गोटे रोचे झारसुगुड़ा गोटे संवेदनशील अंचल गोटे हॉटस्पॉट हो पाए आशंका रोचे से जिला प्रशासन तरफ रही जो पॉजिटिव संख्या बाहर गुड़ाए जगार माइक्रो कंटेनमेंट कर कंटेनमेंट कर तो प्रशासन बर्तमान कंटाक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को ही गुरुत्व एवं जो कोविड परीक्षा हले दिन को दिन वृद्धि करा जाउछि चिन्मय निश्चित भाव रे सुरेंद्र जो कथा जे आज ठारु माने नाइट कर्फ्यू लागू करा जिबो राती 10:00 सकाळ 5:00 पर्यंत नाइट कर्फ्यू जारी करा जिबो एवं या भितरे जो इमर्जेंसी सेवा रहिछि सेगुडी को बाद दिया जिबो या एथि पई जिला प्रशासन केते प्रस्तुत रहिछि निश्चित भाव संपूर्ण प्रस्तुत थी जिलापाल कहते एवं स्थानीय लोक हेल्ले से अपील कर प्रशासन को सहयोग करने तो जिलापाल हेल्ले किसी व्यवसायी संघ सहित हेल्ले आलोचना करते जेहेतु पूर्वर झारसुगुड़ा जिले में राति 8:00 ही दुकान गुड़ाक पूर्वर बंद रहूला तो निश्चित भाव लोक हेल्ले सहयोग करेंगे बोली कहते आम गत काली चेम्बर अफ कमर्स सभापति सहित हेल्ले आलोचना करूँ जेहेतु झारसुगुड़ा गोटे कहे आम मिनि इंडिया कहले किसी अत्युक्ति हे ना जेहेतु ये वेदांत अच्छी अनेक शिल्पानुष्ठान अच्छी एमसीएल अच्छी बाहर लोक जावास अनेक रही थाए
सबुत बड़ कथा अच्छे जेहेतु झारसुगुड़ा द्वितीय विमानबंदर तो जो हॉटस्पॉट अच्छे महाराष्ट्र कथा कहतु कि छत्तीसगढ़ कथा कहतु ये रायपुर और मुंबई सहित सीधा सड़क विमान जोगे लोक जावासवा कर सबुत बड़ कथा है गोटे चिंताजनक स्थित रोचे जेहेतु छत्तीसगढ़ कोविड पॉजिट संख्या बढ़ुच्च बर्तमान भी इंटरस्टेट बस छत्तीसगढ़ चलुच्च जो थे कि लोक जावासवा करवल झारसुगुड़ा नुह पश्चिम ओडिशा रो प्रत्येक जिला सहित छत्तीसगढ़ लोक को बस जोगे जोगाजोग रही तो सबुत बड़ कथा है जे राज्य सरकार इंटरस्टेट बस जो अछि सुरेंद्र कोठना कोठी जदियो प्रशासन वर्तमान तत्परता प्रकाश करै छी प्रशासन पक्षरु समस्त प्रस्तुति करा जाय छी किबोली भाबरे कोविड-19 रो मुकाबला करा जइबो किंतु या भितरे जनसाधारणकर कर्तव्य रहौ छी एवं दायित्व रहौ छी निजे सचेतन रहबा एवं समस्तनकु सुस्थ रखबा बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपनकर समस्त सूचना पाई तबे वर्तमान संबलपुर को जिबा संबलपुर रु जुड़ी होछंती हम प्रतिनिधि मळय होई मळय संबलपुर रे स्थिति कोन देखो तो चिन्मयी जितकी गत काले संबलपुर एसपी बाटुला गंगाधर मध्य सामाजिक सम्मेलन के सूचना देखते जे आज राति 10 समय नाइट कर्फ्यू लागू हम या कि संबलपुर जिला प्रशासन वर्तमान समय पूरा पूरी तत्परता रही पूरा प्रस्तुत हो सारी जहाँकि संबलपुर जिलार पाखापाखि 14 स्थान चेक पॉइंट हम जोटि की पुलिस मुतयन रे जांच कड़ाकड़ी करमती कि संबलपुर जो रही जो सीमांत एरिया जो एंट्री पॉइंट ये सब सब पुलिस पक्षर कड़ाकड़ी जांच करके संबलपुर पड़ोसी जिला मान जानते आज वर्तमान समय कोरोना संक्रमण संख्या बढ़ुची झारसुगुड़ा अंपटे बरगढ़ ये तमाम जो दुई जिला ये दुई जिले वर्तमान समय कोरोना संख्या अधिक रही गत काली संबलपुर कोरोना संख्या अधिक रही है पाखापाखि 27 जन कोरोना पॉजिटिव गत काली जहाँ तथ्य आसाला तो देखा वर्तमान समय या कि वर्तमान समय जिला प्रशासन पूरा पूरी प्रस्तुत हो सारा आज युक आउ कि घंटा पर जो नाइट कर्फ्यू प्रथम कर पश्चिम ओडिशा संबलपुर मत लागू या कि पूरा प्रस्तुत संबलपुर जिला प्रशासन अन्य कथा जो देखिए बर्तमान समय मुझ संबलपुर चित्र आपको देखी जे लोके सचेतन अच्छे बर्तमान समय जेहतु कि बर्तमान पुणी कोरोना संक्रमण संख्या बढ़ुची या कि लोके रोते लोके सचेतन अच्छे ताकि बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठू एमती कि बर्तमान समय जानते संबलपुर जिला प्रशासन व महानगर निगम पक्षर प्रत्येक दिन सहर में बुले बुले एलासमेंट कर गाड़ी जे लोक सतर्क रुंतु सचेतन रुंतु मास्क व्यवहार करूँ सामयिक दूरत मानतु ये कथ को लोक गुरुत्व दौरान ता तो बर्तमान समय बड़ प्रश्न आम देखुचे प्रत्येक समय संबलपुर सहर में अनेक लोक मास्क व्यवहार करते मास्क सठिक भाव व्यवहार करें किए मास्क को केवल लगे कि मुह नाक तले मास्क लगे एमती जो दुकान मानक आम देखु जे अनेक लोकों भिड़ जमुची ये कथा ही बयान कर लोके संबलपुरवासी किभली सचेतन रोचा किभली प्रशासन गाइडलाइन को पालन करापड़ी अन्य कथा यदि कहवा जेतु कि आज जो नाइट कर्फ्यू हो नाइट कर्फ्यू समय जो अत्यावश्यक सेवा छाड़ीदे अन्य लोके 10 राति 10 परवर्त समय बुलाबूली कर पुलिस तापर कड़ा कार्यानुषान नब जिले वर्तमान नाइट कर्फ्यू सरकार लागू कर सारे भितर संबलपुर लोकंकर निघा ना कहीं लोक मैंने बेपरुआ हो निश्चित पक्ष ये तो कथा ये कथा बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठू लोके जानुंजे बर्तमान समय कोरोना पुणी ले बर्तमान समय संबलपुर में कोरोना संख्या बढ़ुची या कि लोके प्रशासन पक्षर गोटे प्रकार सचेतन बारंबार कर किंतु लोके फिल्ड सचेतन होना लोके निजे सचेतन होगा बर्तमान समय जरूरी हो पड़े आप देखते किए मास्क लगाते आउ किए मास्क लगे एमती आम देखुए पूरा खोला मेला भाव लोके बोलूं लोकों मन में बर्तमान समय सचेतन अभाव अच्छी लोके बर्तमान समय बुझी पार नाते कोरोना कौन या कि तो बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठू लोके केबे ये जो जो निजर मानसिक भावना को चेतेबे मास्क व्यवहार करेंगे सामयिक दूरता मानवे ये तो वर्तमान समय बड़ प्रश्न उठू लोक बारंबार प्रशासन पक्षर सचेतन कर तथापि लोके मानु ना आप देखु जो मुझे जो अच्छी ये चित्र देखु जो लोक आस गाड़ी ऑटो कौन लोके मास्क व्यवहार करते बहुत कम संख्यार बहुत कम संख्या लोके मास्क व्यवहार कर देखा मिलूँ ये कथा ये चित्र जो चित्र आम देखुचे संबलपुर लोकों पाखे कोटि ना कोटि सचेतनतार अभाव रही प्रशासन गुरु दायित्व हूँ जे लोक सठिक भाव सचेतन करवा एवं जदि से किए अवमानना करी जदि अमानिया रही दृढ़ कार्यानुषान ने बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप समस्त सूचना पाई तेज वर्तमान भुवनेश्वर को जी भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू आम सहित जोड़ी होती चिन्मयी भुवनेश्वर स्थिति कौन रही कोरोना।
निहाती भाव में चिन्मय जदि कहबा कोरोना रे काली भुवनेश्वर स्थिति कथा कहबा 38 जन पॉजिटिव राजधानी रु बाहरी थिले एवं राजधानी कथा जदि कहबा तो पाखापाखी क्वारंटाइन रु 13 जन बाहर थिबा बेले लोकल रु 25 जन चिन्हड होइथिले एवं टोटल उपर जदि कोरोना संक्रमित संख्या कहबा 32656 रे पहुँचिथिला एवं राजधानी जदि कहबा काली विमानबंदर रु पाखापाखी 10 जन पॉजिटिव चिन्हड होइथिला बेले आमर टोटल 3 दिन रो जदि विमानबंदर कथा कहबा तबे 25 जन विमानबंदर रु कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते हैं जदि रेलवे स्टेशन कथा कह रेलवे स्टेशन में दुईज चिन्हट होते तेज आम एवं रेलवे स्टेशन में आज सीधा सड़क दृश्य देखिपे लोकों भितर से सचेतनतार अभाव देखा मिलू लोक लोक मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके रुना कि मास्क पिंधुना जी आम देखा विजुआल तो एमती बहुत लोक अच्छा जो मान मुहरें मास्क ना जो मैंने कि बिना मास्क अच्छा जो मैंने मास्क पिंधुचार मास्कटा तल को पिंधुच लोकों भितर सचेतन अभाव देखा मिलूँ जी महाराष्ट्र कथा कह जी कालीठू देखुचे आम महाराष्ट्र में लॉकडाउन स्टार्ट इवन ओडिशा कथा जी कहार केत गुड़े जिला गुड़िक लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू स्टार्ट जदि लोक मैंने निजे सचेतन नएबे तेल केतबेले भी ओडिशा रे मैंने राजधानी कथा जी कह राजधानी भी लॉकडाउन आरंभ हो जाए जदि आम महाराष्ट्र कथा कहचे तो महाराष्ट्र में पखापाखी माने कोरोना संख्या बढ़िबा को देखिकी सका रात 8 सका 7 पर्यंत नाइट कर्फ्यू कर 144 धारा लागू कराई मॉल रेस्टोरेंट कथा जदि कहुचे महाराष्ट्र कथा तबे सेठी सबको नहीं कटकणा रही शनिवार रविवार टोटल महाराष्ट्र को पूरा सटडाउन करा जाए तो जदि ओडिशा कथा कहबा ओडिशा रे जदि राजधानी कथा कहबा राजधानी लोक मैं जदि सचेतन न होबे ताहाले कोनोसे भी मुहूर्त रे लॉकडाउन हो पारे आम पाखे केत जन लोक अच्छा जो मैंने कि मास्क पिंधि ना बोधे कैमेरा देखी पिंधुचे आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया मास्क मैडम सांगे सांगे आईला दुकान मिललाने दुकान आगे बंद सांगे सांगे घर नहीं कि आसती छिड़ी जाइए बाटर पिंधिया कथा मो रुमाल भी ना रुमाल जानते कल मुझे जानने आज प्रथम भाई आईले पिंधेबी कि पिंधेबी चिन्मयी आप शुणुले लोक मान प्रतिक्रिया जो मैडम अच्छा मैडम जस्ट आसला बेले भूली गली कौन अच्छी भुवनेश्वर जानते तरतर आसली ना से लगे भूली गली आखे मास्क अच्छी तो मास्क पिंध आवेलेबल थी कहीपर अच्छी ना आसला बेले से भूली जाइए ना भौणी ओल्ल तारू नहीं आसवा ताकि आवेलेबल अच्छी तो आप शुणुले चिन्मयी लोक मान प्रतिक्रिया जो मैंने कि मास्क टोटाली पिंधु ना ये जो भाई अच्छा भाई चिन्मय देखुले लोक मान सचेतनतार अभाव किए कौन कि आम घर छाड़ी आसमें प्रथम थर पर आसिया कौन भी लोक मास्क पिंधुना निज भर सचेतनता नहांती जदि सेजे सचेतन नएबे तालोले कहून भुवनेश्वर में भी लॉकडाउन स्टार्ट नाइट कर्फ्यू भी आरंभ हो पारे निश्चित भाव में चिन्मय जो दृश्य आम देखल वास्तविक भाव में राजधानी में लोक सचेतन नहांती कौटी ना कौटि सरकार जिते अनेक गुड़िया पदक्षेप अपनाऊँच किभली COVID-19 को मात देबा एवं तार मुकाबला करबा किंतु सेतबेले जो माने सहयोग करबा कथा सेमाने जनसाधारण माने सेमाने किंतु सहयोग करु नाहंती कोठी ना कोठी बेपरुवा होउचंती एवं एभली चित्र सामना को आसुची लोक जेतबेले सचेतन न हेबे ताले संक्रमण वृद्धि पाइबर बहुत आशंका रहिछ बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपनकर समस्त दृश्य पाए ते वर्तमान कलाहांडी को जिबा कलाहांडी रो हम सहित जोडी होउचंती हम प्रतिनिधि जसवंत धांगडा माझी जसवंत कलाहांडी रे कोरोना स्थिति किबळ निश्चित भाव में चिन्मय देखो गत किसी दिन है कलाहांडी जिले में मध्य कोरोना हो बढ़िवारे लगी जो भाया भाव में लोक मैंने जो सामाजिक दूरता बजाय रखा कथा मास्क व्यवहार करवा कथा जो सचेतनता रहा कथा बोधे से सचेतनतार कमी रही बोल कि आज कलाहांडी जिले में मत यह भाव में कोरोना पॉजिटिव संख्या धीरे धीरे बढ़िवार लगी गत सकाल कथा जो आम कह पाखापाखि 50 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते तापर सन्धार जितेबाला जिला प्रशासन तरफ जितेबाला रिपोर्ट आसला पुणी थे पाखापाखि 41 जन कोरोना पॉजिटिव आसी आज जेहेतु जो पश्चिम ओडिशार 10 जिले में नाइट कर्फ्यू जारी कर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से कड़ाकड़ी चेकिंग करने आरंभ करदे कलाहांडी जिलार कथा जब देखा चिन्मय आम अच्छे बर्तमान भवानीपाटनार जो माणिकेश्वरी छक निकट में आप देख पारे एवं भी किसी एमती अमान्य लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि मास्क ठीक भाव यूज करना
ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛିଟା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାକ ତଳ କରିକି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଲା କଥା ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କରୋନାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେଉଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି ସେଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କରୋନା ପାଇଁ କେମିତି ସଚେତନ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନନ୍ତୁ ବୋଲିକି ପ୍ରଶାସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଦଶ ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି April 5 ରାତିରୁ ରାତି 10 ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ କରାହେଇଛି ତା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି କରୋନା ଟୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କରୋନା ଟୁର ତା'ର ପ୍ରପର୍ ବିହେଭିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଇଟା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି କାହାକୁ ହେଉନି ସେଇଠି ପ୍ରପର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହେଲା ମାସ୍କ ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ତଥା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ମୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ସକଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ମାନେ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟାର କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ସଚେତନ କରିଛେ ପ୍ରଶାସନ ବି ସଚେତନ କରିଛେ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ମାତିଛନ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତ ରାତି 10 ସକାଳ 5 ତକ ହେଇଛେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ ସବୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ ସାନିଟାଇଜର୍ ହାତ ଧୁଅନ୍ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ମାଝେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କରୋନାକୁ ମାତ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ସେହି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଯେତେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ନ ରଖିବା ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଯିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 3 ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଯୋଉ କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଯୋଉ କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଟା ଏବେ ସରକାର କରିଛନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ
আমার নাইট কার্ফু জরুরি আছে সুন্দরগড়ে। সুন্দরগড়ে দিন বেলা বাজার হাট লোক বহুত ভিড় হয়ে যাচ্ছন, লোক নি মানবা প্রশাসন তার হিসাবে সে কাম করুছি, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তার হিসাবে চেক করে সবু করুছে, মানে সুন্দরগড়ে সবু জিনিস হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরগড়ে লোক টিকে অমানিয়া হয়ে যাচ্ছন। লোকঙ্কর কাম হেলা মাস্ক লগাবার কথা, আউ দূর এক মিটর দূরে রহিকি লোকঙ্কর সঙ্গে রহিকি না করোনাকে হটাবার লাগি বন্দোবস্ত করবার কথা। আমি প্রশাসনকে যে স্বাগত করুছু সে যে নাইট কার্ফু করছেন, কিন্তু সুন্দরগড়ে টিকে সচেতনর অভাব আছে, লোকঙ্কু যেতে সচেতন করা গেলে বি লোকে অমানিয়া হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরগড় কু নয় ট্রেন আসিগাল ছত্তিশগড় বর্ডর রে বর্তমান যে তিনোটি ব্লক রয়েছে সেখানে লোক মানে বারম্বার দেখতে মিলছে আক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু লোক মানে কত দূর সচেতন সোশিয়াল ডিস্টেন্স বা কোভিড কটকণা সমস্ত সে কত দূর মানুষ? মু তো প্রথমে কহবি যে নাইট কর্ফিউটা স্বাগত যোগ্য পদক্ষেপ এটা, আউ মু পব্লিক মানুষ কহবা চাহুছি যে সে সবুলে ডিস্টেন্স মেনটেন করতু, মাস্ক ইউজ করতু, এবং ভিড় করছেন ভিড় টিকে দূরে রহন্তু, কিন্তু না আপন মানে যেন করোনাটা গোটে মারাত্মক রোগ এটা আ বহুত জীবন নেই সারলে নেই, আউ সরকার চাহুছেন কোণ কি যে আমার মানে যে জীবনটা যে অমূল্য জীবনটা মানে সমস্ত বঞ্চি সেটি মানে প্রথম তো ডিস্টেন্স মেনটেন করা বহুত জরুরি, আর যে নাইট কর্ফিউ যে করছেন সরকার এটা স্বাগত যোগ্য পদক্ষেপ। রাতে দশটারু পাঁচটা বন্ধ হব সুন্দরগড়, তো লোকে কত দূর উপকৃত হবে করোনা সংক্রমিত সংখ্যা কু কোন কমাই পারিব? রাতে দশটারু যে রাজ্য সরকার পাঁচ তারিখ রু কর্ফিউ জারি করেছেন নিশ্চিত পক্ষে স্বাগত যোগ্য, আউ সবুঠারু মেন কথা হল জনসাধারণ তাকে ঠিক ভাবে মানিবা কথা। আমি মানে বি এটি দেখুছু নাইট কর্ফিউ সাংরে সুন্দরগড়ে আমার যেমনি ডেলি মার্কেট হচ্ছে বাজার গুড়া হচ্ছে সেই বাজারে মধ্য লোক মানে সচেতন রু না মাস্ক পিঁধু না, আমার জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন যেতে তাগিদ করছেন যেতে ফাইন কলা মধ্যে মধ্যে সে মাস্ক পরিধান করু না, তো মু সুন্দরগড়ের সমস্ত জনসাধারণকে অনুরোধ করা চাহুছি বর্তমান যেপরি ছত্তিশগড়ের ব্যাপুছে করোনা আমি সমস্ত যদি সচেতন ন হওয়া আমি হি ভোগিবা, তো মোর সমস্ত জনসাধারণকে অনুরোধ জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনর নির্দেশ মানি সমস্তে মাস্ক পিঁধি রাজ্য সরকার কোভিড নাইন্টিন গাইডলাইন মানি যদি সমস্তে আমি মানে সেই নিয়ম কু মানিবা তাহলে নিশ্চিত পক্ষে সুন্দরগড়কে করোনা মুক্ত ভাবে আমি করিপারিবা। মহারাষ্ট্রে উইকেন্ড লকডাউন আরম্ভ হয়ে সারিছি, আউ দেশরে এবে যেতেবেলে উইকেন্ড লকডাউন আরম্ভ হয়ে গলানি এবং ছত্তিশগড়ের কথা যদি কহবা ছত্তিশগড়ে করোনা স্থিতি মধ্যে সাংঘাতিক, ইয়ারি ভিতরে যে সীমান্তবর্তী জেলাগুড়িক রয়েছে সেঠাকার লোকমানকু সচেতন হবার আবশ্যকতা রয়েছে কিভাবে ভাবে রাজ্যের সংক্রমণ সংখ্যা বৃদ্ধি ন ঘটু, তবে এথিপাই প্রশাসন যদিও বর্তমান তৎপরতা প্রকাশ করেছে কিন্তু লোকমানক ভিতরে সচেতনার অভাব রয়েছে এবং সচেতনতা কিভাবে লোকমানক পাখে বৃদ্ধি করা যাব সে দিকরে প্রশাসন কাম করিবার আবশ্যকতা রয়েছে, ইয়া ভিতরে যে মানে অমানিয়া রয়েছেন সেমানক পাই পনিশমেন্ট রইবার মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ সাগর আপনার সমস্ত সূচনা পাই, আপনার দেখুলে আমার প্রতিনিধি বিভিন্ন জেলার আমার সহ যোড়ি হয়েছিল খাস করে ছত্তিশগড় সীমান্তবর্তী জেলাগুলি রয়েছে সুন্দরগড় সম্বলপুর ঝারসুগুড়া এবং কলাহান্ডি এসব জায়গার আমার প্রতিনিধি আমার সহ যোড়ি হয়েছিল এবং তাজা অপডেট দৌলে লোক মানে কিভাবে সচেতন অনেক প্রশাসন কত তৎপরতা প্রকাশ করেছে এবং বর্তমান করোনা স্থিতি কোণ এনেকি আমাকে সূচনা দৌলে সময় সরছে বর্তমান বিগ ব্রেকিং এটি রাখুছু, নমস্কার।